हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ओलंपियाड्स क्यों देने चाहिए और आपकी लाइफ में ओलंपियाड्स की क्या नेसेसिटी है। और इसी वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही क्वालिटी ओलंपियाड के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड ITO। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को उसी क्वेश्चन से कि हमें ओलंपियाड आखिर देना क्यों चाहिए, व्हाई ओलंपियाड्स। स्टूडेंट्स, आपके स्कूल्स में जो नॉलेज दी जाती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, ना ही वो एनालिटिकल और थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है और ना ही वो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देती है कि आप कहीं पे स्टैंड कर सकें। इसलिए आपकी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज को पहचानने के लिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, बने हैं ओलंपियाड्स। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, एक ओलंपियाड का एम होता है प्रोवाइड करना आपको एक यूनिक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म और आइडेंटिफाई करना आपकी क्षमताओं को और आपके अंदर एक टैलेंट का पूल क्रिएट करना फ्यूचर के लिए। स्टूडेंट्स, ये जो ओलंपियाड्स होते हैं ये सिर्फ एग्जाम्स मात्र ही नहीं होते, ये एक चाइल्ड के अंदर का बेस्ट लाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और ओलंपियाड्स को देना एक बहुत ही अच्छी आदत रही है और हमेशा से ही स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहा है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। स्टूडेंट्स, ओलंपियाड्स की जो रैंक होती है ये स्टूडेंट और पेरेंट के लिए एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है और पेरेंट्स को पहचानने में मदद करती है कि उनके चाइल्ड में कितना टैलेंट है और वो कहाँ स्टैंड करता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स जो होते हैं ओलंपियाड्स वाले, ये कल्टिवेट करते हैं एनालिटिकल और थिंकिंग स्किल्स को एक चाइल्ड में जो किसी भी एग्जामिनेशन में यूजफुल होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया जैसे IIT JEE और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, ये जो ओलंपियाड्स होते हैं ये स्कूल स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज उनकी कितनी है और रीजनिंग पावर कितनी है वो पहचानने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ओलंपियाड्स होते हैं ये ना सिर्फ लॉजिकल और ब्रेन फास्टर वर्किंग में मदद करते हैं पर ये एक कैरियर पाथ की गाइडेंस भी देते हैं हमारे चिल्ड्रंस को। स्टूडेंट्स, ये जो ओलंपियाड एग्जाम होते हैं ये सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं इन्हें ही नहीं फोकस करते हैं पर ये एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटी इन अ चाइल्ड पे फोकस करते हैं जैसा कि मैंने बताया और इंक्रीज करते हैं थिंकिंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस, एनहेंस हेल्प करते हैं इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एट अ वेरी यंग स्टेज। और स्टूडेंट्स, फाइनली जो ओलंपियाड कंडक्ट किए जाते हैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड ITO द्वारा, ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सिर्फ प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए और वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं इंटरनेशनल, नेशनल और इवन स्टेट लेवल पे भी। अब बढ़ते हैं हम अपने ओलंपियाड की तरफ जिसका नाम है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड ITO। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ITO एक वन ऑफ द लीडिंग ओलंपियाड ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री की जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2012 में एंड इट इज प्राउड टू हैव एसोसिएटेड विद 33,175 से भी ज्यादा स्कूल्स और ये अब तक पहुंच चुका है 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के नेटवर्क तक उनको ओलंपियाड करा के और ये रिकॉग्नाइज करता है 2 लाख से भी ज्यादा क्लास टॉपर्स और इसने अब तक 7,000 से भी ज्यादा स्कॉलरशिप्स बांटी हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनकी एडवाइजरी कमेटी में खुद मैडम PT उषा जो कि एक ओलंपियन चैंपियन है और जो कि अपने अचीवमेंट्स के लिए जानी जाती है वो खुद इनकी एडवाइजरी कमेटी में शामिल है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो ओलंपियाड एसोसिएशन है ये काफी एक वेल नोन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर आप इनके ओलंपियाड देते हैं तो आपको आपके फुल पोटेंशियल का आइडिया लग जाएगा। स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडियन टैलेंट ओलंपियाड सिर्फ मैथ्स, साइंस, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग में ही नहीं बल्कि टोटल 8 सब्जेक्ट्स में अपने ओलंपियाड्स लेता है जिसमें इंक्लूडेड है नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड NSSO, नेशनल एसए ओलंपियाड NESO, इंटरनेशनल ड्रॉइंग ओलंपियाड IDO, इंटरनेशनल कंप्यूटर ओलंपियाड ICO, जनरल नॉलेज इंटरनेशनल ओलंपियाड GKIO, इंग्लिश इंटरनेशनल ओलंपियाड EIO, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड IMO,
एंड लास्टली इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड ISO। तो स्टूडेंट्स, इनमें से जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग इंटरेस्टेड हो उन्हीं ओलंपियाड्स में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हम ओलंपियाड के लिए रजिस्टर तो कर लेंगे लेकिन उसके लिए हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो मैं बताना चाहूंगा उसका भी सॉल्यूशन आपको इंडियन टैलेंट ओलंपियाड ने दिया हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की ओलंपियाड बुक्स के बारे में। तो ओलंपियाड वर्क बुक्स अवेलेबल की हुई है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट से लेकर टेंथ के लिए। ये ओलंपियाड बुक्स कंपोज की हुई है एक बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली मैनर में सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के द्वारा। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं वो इन बुक्स में कवर किए हुए हैं, और इनका जो कंटेंट है बहुत ही वेल प्लान्ड है और अरेंज किया हुआ है इस वे में कि स्टूडेंट्स को उसे पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी एक कॉम्पिटिटिव एज मिले और आपको भी ओलंपियाड्स को प्रिपेयर करने का एक स्टडी मटेरियल मिले, तो आप इनकी वेबसाइट indiantalent.org पे जाकर इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ओलंपियाड की प्रैक्टिस करने के बाद उसकी ओलंपियाड वर्क बुक्स को सॉल्व कर लेने के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको एक आइडिया मिलता है कि पास्ट में इस ओलंपियाड में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली ही प्लान कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपकी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ITO ने प्रोवाइड किया है। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ प्रीवियस ईयर ओलंपियाड पेपर से। प्रीवियस ईयर ओलंपियाड क्वेश्चन पेपर्स स्टूडेंट्स को एक आइडिया देते हैं कि उन्हें कैसा एग्जाम पैटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने एग्जाम्स में। स्टूडेंट्स जो थोरली प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को, वो लर्न करते हैं सॉल्व करना प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजीली फाइनल एग्जामिनेशंस में। ITO ने प्रोवाइड कर रखे हैं सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स उनके आंसर कीज के साथ और उनके सॉल्यूशंस के साथ, और आपको एग्जामिनेशन का फील कराने के लिए उस पे OMR शीट्स भी अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की ट्रू कॉपीज सभी ओलंपियाड सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं उनकी वेबसाइट indiantalent.org पर। तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बता देता हूँ कि आपको इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्टर ऑनलाइन फॉर ओलंपियाड एग्जाम्स। ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए अपियर होना स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की। सारे स्कूल्स और इंडिविजुअली स्टूडेंट्स इस ओलंपियाड के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, और इसमें रजिस्ट्रेशन करने के 3 प्रोसेसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोसेस से, रजिस्टर स्टूडेंट एनुअल ओलंपियाड। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं एनुअल ओलंपियाड्स में एक ऑनलाइन फॉर्म भरकर। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कृपया हरी अप अपना रजिस्ट्रेशन फुलफिल कर लें। हमारा सेकेंड प्रोसेस है स्कूल एनुअल ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन का। स्कूल जो अपने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं एनुअल ओलंपियाड्स में जो कंडक्ट कराए जाते हैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के थ्रू, तो रजिस्टर कर सकते हैं वो इन एग्जाम्स के लिए। जो क्लास टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स या फिर स्कूल कोऑर्डिनेटर्स स्कूल के बिहाफ पर रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा थर्ड एक स्पेशल ओलंपियाड है मंथली ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन। द मंथली ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन कंडक्ट कराए जाते हैं ITO के द्वारा। ये मंथली ओलंपियाड 6 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराए जाते हैं, नेमली मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, GK ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, SA ओलंपियाड एंड ड्राइंग ओलंपियाड। तो आप लोग इनकी वेबसाइट indiantalent.org पे जाकर इस ओलंपियाड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ITO सभी क्लासेस की सभी सब्जेक्ट्स के लिए ओलंपियाड कंडक्ट कराता है, और मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप हर क्लास में साल में एक बार एक ओलंपियाड को जरूर दिया कीजिए, ताकि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चल सके। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी सबसे एक्साइटिंग चीज की तरफ कि अगर आप इस ओलंपियाड को देते हैं तो आपको प्राइजेस क्या क्या मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं
कि इनके ओलंपियाड स्कॉलरशिप्स एंड अवार्ड्स में इंक्लूडेड हैं टोटल अवार्ड 5 करोड़ रुपीस तक के, 35,000 से भी ज्यादा अवार्ड्स हैं, मेडल्स हैं क्लास टॉपर्स के लिए, सर्टिफिकेट्स एंड रिपोर्ट कार्ड्स हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स हैं 7,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए, और मेडल्स हैं डिस्टिंक्शन अचीवर्स के लिए। स्टूडेंट्स, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि ITO नेशन का नंबर 1 ओलंपियाड है। इसमें 5 करोड़ से भी ज्यादा के प्राइजेस हैं। ओलंपियाड एग्जाम जो 2021-2022 वाला सेशन है वो इनका 8th ईयर है, और मैं आपको बता दूं कि इनके ग्रैंड प्राइजेस भी हैं, जिसमें 8 स्टूडेंट्स को 1,00,000 रुपीज मिलेंगे, 10 स्टूडेंट्स को 40,000 रुपीज मिलेंगे, 10 स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा लैपटॉप जीतने का, और 200 स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा एक टैबलेट जीतने का। स्टूडेंट्स, ओलंपियाड के जो प्राइजेस होते हैं, मेडल्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये आपको एक मोटिवेशन देते हैं कि आप अपने आप को और बेटर बना सकें। तो ITO आपको इसीलिए बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस दे रहा है ताकि आपको मोटिवेशन मिले। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार ITO में रजिस्ट्रेशन जरूर करके देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ITO के फाउंडर पैनल से मिलवा देता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, ITO की डायरेक्टर है मधुमती एम, कमिटी हेड है मैडम PT उषा, जो कि खुद एक ओलंपियाड चैंपियन, अर्जुना एंड पद्मश्री अवार्ड विनर है। इनकी एडवाइजरी कमिटी में इंक्लूडेड है BR पाटिल सर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, शशिधर के मराली IIM गोल्ड मेडलिस्ट है, HB होलेकर इनके वाइस चांसलर है, एंड लास्टली मनीष नेगी जो कि एक एक्स मैनेजर है इंफोसिस कंपनी के। स्टूडेंट्स, ITO एक वेल नोन एंड एक्सपीरियंस्ड ब्रांड है। इसका प्रूफ ये है कि इनके बहुत सारे आर्टिकल्स द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हो चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ITO के पास्ट विनर्स एंड स्कॉलरशिप होल्डर्स दिखा देता हूँ, ताकि आपको इस ओलंपियाड में कुछ कर दिखाने का मोटिवेशन मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे प्राइजेस अब तक ITO डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है और आगे भी करता रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ITO का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसपे ओलंपियाड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे ITO से रिलेटेड कंटेंट अपलोड होता रहता है। और आपको मैं ये प्राउडली बताना चाहूंगा कि ITO एक वेल नोन और ट्रस्टेड ब्रांड है, इसीलिए तो इसको जब आप गूगल सर्च करेंगे इंडियन टैलेंट ओलंपियाड, तो इसको 4.8 रेटिंग दी हुई है 5 में से। लवली स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो आप इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दी हुई है। एंड नाउ फाइनली, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इंडियन टैलेंट ओलंपियाड विशेस यू अ वेरी वेरी सक्सेसफुल लाइफ अहेड इन योर फ्यूचर। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ओलंपियाड, स्पेशली इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। एंड आप वेबसाइट indiantalent.org पे जाकर इस ओलंपियाड के लिए रजिस्टर जरूर करेंगे। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।